नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, अदालती अदम फालियत की मौशी कीमत। कॉलम निगार हैं डॉक्टर इशरत हुसैन और आवाज़ है तलहा इनाम की। अगर आप भी नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस से मुस्तफीद होना चाहते हैं या हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों ने प्लाटों की ख़रीदारी और मकानात किराए पर लेने के लिए खातिर ख्वाह रकम की सरमायाकारी की है। कमज़ोर और शिकस्ता रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ज़मीन की तकसीम, इस्तेमाल, तबादलों और रजिस्ट्रेशन में बदउनवानी के मुरव्वजा तरीक़ों की वजह से मुल्क भर में बड़ी तादाद में बेकायदा और गैरकानूनी हाउसिंग कॉपरेट और सोसाइटीज़ ने ज़रखेज़ ज़राई अराजी पर कब्ज़ा जमा रखा है। मुतवस्सित तबका माकूल रिहाइश हासिल करने के लिए बचत करता है। इनके जमा किए गए अरबों रुपए भी इस बेकायदा शोबे की जेबों में जा चुके हैं। इनमें से बहुत सी सोसाइटियों ने तामीराती ढांचे नामुकम्मल छोड़ दिए हैं जो कि कब्ज़े के लिए मौजू नहीं हैं, जबकि कानूनी कार्रवाइयाँ बरसों तक इल्तवा में चली जाती हैं। अदालतों की जानिब से तामीर शुदा ढांचों को मुनहदिम करने का हुक्म देने के मौजूदा रुझान के बजाय बेहतर तरीका यह है कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए। इन पर मुतवस्सित तबके ने अपनी जमा पूंजी से सरमायाकारी की है। इनको जायदाद के हुकूक फराहम किए जाएं, जबकि डिवेलपर्स, बिल्डर्स और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। जज बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट अपने अजला में हुक्काम को भी हिदायत दे सकते हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि ऐसी बेकायदगी और गैर कानूनी तामीरात ना हों। वो वक्फे वक्फे से रिपोर्टें तलब करें। इस तरह की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करने वाले पोर्टल्स पर शहरियों की शिकायत की भी हौसला अफजाई की जानी चाहिए। गरीब मालकान से ज़मीनों पर कब्ज़े और ब्यूरोक्रेट्स, जजों और जर्नेलों को कई गुना कम कीमत पर अलॉट करने के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले दर हकीकत ताज़ा हवा का झोंका हैं। रातों रात अशराफिया के नुमाइंदे करोड़पति बन जाते हैं और अपने साथियों की मदद से ज़मीन के गरीब मालकान को नुकसान पहुंचाकर भारी मुनाफा कमाते हैं। इस नाइंसाफी और सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल से जुड़े हुए एक छोटे तबके को फ़ायदा पहुंचाने के इस रुझान पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इस रविश को पूरे मुल्क से ख़त्म किया जाए। FBR ने हाल ही में रिपोर्ट किया है कि 3.5 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा टैक्स वाजिबुल अदा इन लोगों से वसूल नहीं किया जा सकता जिन्होंने अदालतों में कानूनी चाराजोई की वजह से आमदनी कम बताई या छुपाई या टैक्स की अदायगियों से बच गए। जिन लोगों पर ये रुकूम वाजिबुल अदा है वो दर हकीकत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं या कारोबारी मकासद के लिए रकम लूट रहे हैं, जबकि मुल्क को रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में कमी का सामना है। ज़रा तसव्वुर करें कि अदालतें अगर इन मुकदमात का जल्द फैसला करती हैं और इस रकम का आधा हिस्सा जमा कर लिया जाता है और ये फैसला मुस्तकबिल में एक डेटरेंस का काम देता है तो हुकूमत हर साल कितना कर्ज लेने से बच सकेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसी एजेंसियों को भी इसी तरह के मसाइल का सामना है। 18वीं तरमीम के बाद CCP के दायरा इख्तियार का सवाल लाहौर हाई कोर्ट ने हल किया, लेकिन इससे पहले ये 11 साल तक इल्तवा में रहा। तवील इल्तवा की वजह ना ख़त्म होने वाली कानूनी चाराजोई है। इसकी वजह से रेगुलेटरी फालियत और रोकथाम का असर कमज़ोर हो जाता है। सो मोटो एक्शन और जुडिशल एक्ट की कई वाज़े मिसालें जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मौशी और माली नुकसान पहुंचाया, उन्हें दस्तावेजी शक्ल दी गई है। ऐसा ही एक केस पाकिस्तान स्टील मिल्स का है। मरहूम कर्नल अफजल
जो एक मेहनती आदमी और दयानतदारी का पैकर थे, के दौर में स्टील मिल एक मुनाफा बख्श इदारा था जिसने मुकर्ररा तारीख से पहले अपने कर्जे अदा कर दिए थे, लेकिन यह मुनाफा आम नतीजा नहीं बल्कि एक इस्तस्ना था। मिल अपने वजूद में आने के बाद से ज़्यादातर बरसों में जायद मुलाजमीन, नाअहल और बदउनवान इंतज़ामिया, पैदावार और फरोख्त में नाअहली की वजह से खसारे में चल रही थी। हुकूमत ने फैसला किया कि ये चूंकि एक तिजारती इदारा है, इसके लिए खुले मुसाबकती अमल के जरिए इसकी निजकारी करना बेहतर है। लेन देन कामयाबी के साथ तरतीब दिया गया और मुकम्मल किया गया और एक सरमायाकार ग्रुप ने जीत लिया। मिल को असल में 3 मिलियन टन की पैदावारी सलाहियत के साथ डिज़ाइन किया गया था और इस सलाहियत को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा बिछाया गया था। हुकूमती मिल्कियत के तहत 3 मिलियन टन की मुकर्ररा लागत बर्दाश्त करते हुए असल पैदावार कभी 1 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं हुई। उम्मीद की जा रही थी कि कामयाब बोली दहिंदा इस सलाहियत को अपने मुकम्मल इस्तेमाल में लाने के लिए एक बड़ी रकम की सरमायाकारी करेगा। इस तरह हुकूमत को नुकसानात पर सब्सिडी देने और कॉरपोरेट टैक्स जमा करने से निजात मिलेगी, फाजिल मुलाजमीन को दीगर शोबों में मुलाजमत मिल जाएगी, सलाहियत में इजाफे से ज़रा मुबादला की बचत होगी, स्टील और स्टील की मसनूआत की दरामद की जगह मुल्की मसनूआत इस्तेमाल होंगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने निजकारी का अज खुद नोटिस लेते हुए ट्रांजैक्शन मंसूख कर दी। इसके बाद से मिल ने नुकसानात और वाजिबात वसूल करना शुरू किए, जो 2009-2019 के दरमियान 189 बिलियन रुपए तक थे। 2015 में मिल बंद होने के बावजूद वर्कर्स और मैनेजर्स को तनख्वाहों की मद में 58 अरब रुपए अदा किए गए। 23 अरब रुपए के रिटायरमेंट फंड्स भी सरकारी खजाने से अदा किए गए। मुल्क ने 2009 से स्टील की मसनूआत की दरामद जारी रखी ताकि ज़ेली सनतों की मांग को पूरा किया जा सके। गुज़िश्ता चंद साल में बैनल अक्वामी कीमतों में इजाफे की वजह से दरामदी स्टील की लागत ने घरेलू सारिफ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। सिर्फ इस एक अदालती मुदाखलत की वजह से होने वाला मालियाती खसारा तमाम कहानी सुना रहा है। ज़रा तसव्वुर करें कि क्या ये रकम या इसका कुछ हिस्सा स्कूल से बाहर बच्चों को रस्मी और गैर रस्मी तालीमी निज़ाम में लाने या बैरूनी कर्जों को कम करने पर खर्च नहीं किया जा सकता था। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।